दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गुजरात के टॉप प्लेसेस बताने वाला हूँ जहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए अगर आप गुजरात जाने का प्लान कर रहे हैं तो। गुजरात में काफी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। ये वीडियो आपको प्लान करने में हेल्प करेगी। मेरा नाम है रजत एंड आप देख रहे हैं सैटरडे शूटर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहली डेस्टिनेशन जो आप विजिट कर सकते हैं वो है रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ एक बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, जहाँ आपको व्हाइट सैंड देखने को मिलेगी जो की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ये व्हाइट सैंड डेजर्ट सोल्ट की वजह से व्हाइट है क्योंकि कच्छ का एरिया एक बाउल के शेप में है और हाई टाइड्स के टाइम पर यहाँ सी का वाटर कच्छ के व्हाइट सैंड एरिया में स्टोर हो जाता है जो वापस नहीं जा पाता एंड यहाँ पर इवेपोरेट होता रहता है। इस वजह से सैंड के साथ सोल्ट मिक्स हो जाता है और ये डेजर्ट व्हाइट दिखता है। रण ऑफ कच्छ में आकर आप यहाँ का फेमस रण उत्सव भी इंजॉय कर सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज, म्यूजिक, डांस और शॉपिंग एरिया भी मिल जाता है। यहाँ पर आप टेंट्स में स्टे भी कर सकते हो जिसका एक्सपीरियंस बहुत मजेदार होता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है गिर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एशिया के लायंस की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। 2015 के डेटा के हिसाब से यहाँ पर 523 लायंस हैं और 300 लेपर्ड्स हैं। गुजरात के ये गिर नेशनल पार्क में आपको लायंस इजीली दिख जाते हैं एंड यहाँ पर आप जीप सफारी करके जा सकते हो जिसकी प्राइसिंग रहती है पर जीप 4500, जिसमें 6 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जूनागढ़ और यहाँ पर आप बस या कार से भी पहुँच सकते हो। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो इंडिया की यूनियन टेरिटरी में आती है जिसका नाम है दीव। दीव फेमस है अपने सी बीचेस, चर्चेस और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के लिए। ये प्लेस अरेबियन सी के एक एंड पर बना हुआ है। यहाँ पर एक्सप्लोर करने की काफी प्लेसेस हैं जैसे कि जलंधर बीच, चक्रदीप बीच, दीव फोर्ट। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो वो है वेरावल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एयरपोर्ट भी बना हुआ है और दीव का रास्ता बाय रोड भी गुजरात से लिंक्ड है। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है सोमनाथ महादेव टेंपल। ये टेंपल एक तीर्थ स्थल है और ये प्लेस 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर महादेव जी को समर्पित है और इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया था, लेकिन 1947 में इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रीबिल्ड करवाया था। इस टेंपल पर 3 रिवर्स आकर मीट करती हैं और बोला जाता है कि यहाँ पर नहाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर आप ट्रेन के थ्रू नहीं आ सकते हो, लेकिन बस या कार से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पर पहुँच के आप आश्रम में स्टे कर सकते हो और जब आप मंदिर जाओ तो यहाँ पर मंदिर के पास सी का बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ शाम को यहाँ पर आरती अटेंड करना ना भूलें। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है पोरबंदर। ये प्लेस महात्मा गांधी जी का बर्थ प्लेस भी है। ये एक हिस्टोरिक प्लेस के साथ साथ मेन इंडस्ट्रियल एरिया है गुजरात का। अब इस प्लेस को टाइम टू टाइम अपग्रेड भी किया जा रहा है। ये प्लेस अपनी बाउंड्री अरेबियन सी के साथ शेयर करती है। ये प्लेस सी से लिंक होने की वजह से बिजनेस का एक मेन पॉइंट बना हुआ है। इसको गुजरात की हैप्पीएस्ट सिटी भी बोला जाता है। यहाँ से आपको चौपाटी बीच पर आने पर अरेबियन सी का स्पेक्टेकुलर व्यू देखने को मिलता है और यहाँ पर आकर आपको बहुत सारे प्लेसेस भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि श्री हरि मंदिर, कृष्ण सुदामा मंदिर, दरबारगढ़ एंड और भी काफी जगह जहाँ पर आर्किटेक्चर चीजें, यूनिक वुडन एलिमेंट्स, अमेजिंग फाउंटेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है भुज। भुज को डेजर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भुज जडेजा राजपूत, गुजरात सुल्तान के पैलेसेस और उनके किंगडम से लिंक्ड है। भुज में आपको यहाँ के पैलेस, आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं। भुज में आप जा सकते हो वंदे मातरम मेमोरियल, जहाँ पर महात्मा गांधी के डांडी मार्च प्रोटेस्ट के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर आपको गॉड गॉडेस के आर्ट के पीसेस, चिल्ड्रन के लिए सेल्फी पॉइंट, एक छोटा सा पॉन्ड जिसके ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, ये सब जगह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप और भी प्लेसेस विजिट कर सकते हो जैसे कि प्राग महल जो अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, स्वामी नारायण टेम्पल जो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है और इनके पिलर पर और वॉल पर आर्ट भी बनी हुई है जो इस प्लेस की सुंदरता को और बढ़ा देती है। आप फेमस आदि योगी शिव स्टैचू भी विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है एंड यहाँ पर एक बहुत सुंदर टेंपल बना हुआ है जिसका नाम है अक्षरधाम टेंपल, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर विजिट करना। इस टेंपल पर आर्किटेक्चर आर्ट बहुत ही बारीकी से किया गया है और बहुत अमेजिंग लगता है। यहाँ पर इंडिया का सेकेंड स्मार्टेस्ट रेलवे स्टेशन भी प्रेजेंट है। इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रैपिडली ग्रो हो रहा है जिसकी वजह से ये सिटी इंडिया की एडवांस सिटीज में प्रेजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है अंबाजी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे टेम्पल्स जिसमें से प्रमुख टेम्पल है अंबाजी टेम्पल। इस टेम्पल का ये हिस्सा प्योर गोल्ड से बना हुआ है और यहाँ पर बहुत अमेजिंग आर्ट वर्क भी किया गया है। ये टेम्पल गोडेस अंबा देवी जी को समर्पित है एंड यहाँ पर टेम्पल में फोन या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। टेम्पल विजिट करने के बाद आप रोपवे से ऊपर हिल्स पर भी जा सकते हो एंड वहाँ भी एक टेम्पल बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये वर्ल्ड का टोलेस्ट स्टैचू है जिसकी हाइट है 182 मीटर। ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई
पटेल जी का है, जो हमारे देश के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये स्टैचू 31 अक्टूबर 2018 में बना था और स्टैचू का इनॉग्रेशन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं। यहाँ की टिकट की प्राइस स्टार्ट हो जाती है 575 रुपए से और ये प्राइसिंग 2300 तक जाती है पर पर्सन। इन टिकट्स की प्राइसिंग में एक्टिविटीज और टाइमिंग्स का डिफरेंस है। आप यहाँ पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच में किसी टाइम भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर हर रोज शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है सरदार सरोवर डैम। ये कंक्रीट का डैम एक ग्रेविटी डैम है जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम है। ये डैम नर्मदा रिवर पर बनाया हुआ है। इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था 4 इंडियन स्टेट में वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। इन 4 स्टेट्स के नाम है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। इस पार्क को जंगल सफारी पार्क भी बोला जाता है और ये पार्क स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ही बना हुआ है। इस पार्क में आपको 170 स्पीशीज और 1000 से ज्यादा नंबर के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे और ये एनिमल्स अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के नेचुरल हैबिटेट्स हैं। यहाँ पर आपको टाइगर, बियर, बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, फॉक्स, डियर ये सब देखने को मिल जाएंगे। ये पार्क डिफरेंट जोन्स में बना हुआ है और डिफरेंट जोन्स में जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक बस के थ्रू ले जाया जाएगा। ये पार्क सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पर एडल्ट की एंट्री की टिकट है 200 रुपए और चिल्ड्रन की है 125 रुपए। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है राजकोट। ये 4th लार्जेस्ट सिटी है गुजरात में एंड क्लीनेस्ट सिटीज में से भी एक है। ये प्लेस फेमस है अपने नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, स्वीट्स, फूड, ट्रेडिशनल स्नैक्स एंड और भी काफी सारी चीजों के लिए। यहाँ पर आपको एंशियंट रिलीजियस प्लेसेस मिल जाएंगे जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये प्लेस अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है द्वारका। ये टेम्पल इंडिया के 4 धाम में से एक है जो की भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। ये टेम्पल देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है एंड इसी के साथ साथ ये प्लेस इंडिया के 7 मोस्ट फेमस एंशियंट रिलीजियस प्लेसेस का पार्ट है। यहाँ आकर आप विजिट कर सकते हो शिवराजपुर बीच जहाँ पर वाटर एक्टिविटीज भी होती है। आप यहाँ पर सुदामा सेतु भी विजिट कर सकते हो जहाँ से आपको अरेबियन सी का बहुत सुंदर व्यू नजर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है वडोदरा। इस सिटी को बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेस देखने को मिल जाएंगी जैसे कि लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा म्यूजियम एंड और भी काफी सारी प्लेस। मराठी लीडर सयाजी राव गायकवाड़ का एक ड्रीम था कि वो इस सिटी को एक बिग एजुकेशनल सिटी में बना सके। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है अहमदाबाद, जो कि फॉर्मर कैपिटल सिटी है गुजरात की। ये एक इंडस्ट्रियल हब के साथ एक एजुकेशनल हॉटस्पॉट भी है। इस प्लेस का पास्ट बहुत मैग्निफिशेंट है और ये मोस्ट पॉपुलर सिटी है गुजरात में। यहाँ का डिलीशियस फूड, मार्केट, कलरफुल कल्चर यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंडिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी अहमदाबाद में ही प्रेजेंट है। ये एक स्मार्ट और हाईटेक सिटी है। इसी के साथ साथ ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर भी है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप दूर से आ रहे हो तो फ्लाइट से आप अहमदाबाद पहुँच सकते हो एंड वहाँ से आप अपने प्लेसेस प्लान कर सकते हो। सिमिलरली ट्रेन से भी आप अहमदाबाद पहुँच सकते हो एंड गुजरात के अंदर भी कनेक्टिविटी सही है डिफरेंट प्लेसेस तक जाने के लिए। ऊपर बताई गई सभी जगह पर आपको बजट एंड लग्जरी होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोस्तों हम लोग ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।